नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी बहुत दिनों के बाद राहुल भाई मिले हैं, क्योंकि ड्यूटी का टाइमिंग हम लोगों का मैच नहीं कर रहा था, मेरा खास करके। हाँ, मेरा इनका हमारा तो फिक्स ही है, इनका तो। आप तो आरपीएफ को फॉर्म डाले हुए थे। हाँ, डाले हुए हैं। आज आया होगा मैसेज, आया कि आपका एक्सेप्टेड हो गया। एक्सेप्ट हो गया तो जनरली सबका एक्सेप्ट हो ही जाता है। जो थोड़ा बहुत मतलब कुछ ऐसा किए होंगे उन्हीं का समस्या होता है। नहीं तो एक दो से ऐसा भी बात हुआ जो फोटो थोड़ा गड़बड़ भी अपलोड हो गया था, बैकग्राउंड सही भी नहीं था। उन लोगों का भी एक्सेप्ट हो गया है, तो लगभग सबका एक्सेप्ट हो ही गया है। खैर, तो उसके लिए तैयारी के लिए क्या सब कर रहे हैं? तैयारी के लिए वही पढ़ रहे हैं जो पहले पढ़ रहे थे। अच्छा, जोन का तो इसमें नहीं ना हुआ होगा? इसमें जोन नहीं है, पहले था एबीसीडी। शायद लगता है एग्जाम मतलब हो जाएगा, उसके बाद फिर जोन सेलेक्ट करने का, जोन हाउस समय देगा हम सब, हो सकता है। तो तैयारी के लिए क्या सब कर रहे हैं? अगर आप भी आरपीएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके लिए किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सलेंस की तरफ से बुक पब्लिश किया गया है। साथ ही जो रेलवे में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथ, रीजनिंग, जीके का सभी क्वेश्चन एक जगह दिया गया है अलग अलग बुकों में, और उसका प्रैक्टिस सेट भी दिया गया हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑनलाइन का, और ऑफलाइन आपको नज़दीकी शॉप पे मिल जाएगा। जरूर विजिट कीजिएगा, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प कर पाएगा अगर आप इसको पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसका कर रहे हैं आरपीएफ का कर रहे हैं कि एनटीपीसी का कर रहे हैं? अब एनटीपीसी करने लगे, एग्जाम तो पहले होगा आरपीएफ का। आरपीएफ का होगा, इसी में चल जाएगा उसका एग्जाम भी। ये चीज होता है जिसका फॉर्म होता है ना, लोग उसके प्रति ये हो जाता है, अब लगता है नहीं एनटीपीसी चलो ठीक है इसी में। अच्छा, आपका तो ये होगा ना, एक आरपीएफ का देंगे, एक एनटीपीसी का देंगे, एक एनटीपीसी का। किसी किसी का जो टेक्नीशियन जो होंगे टेक्निकल डिग्री, उनका कौन कौन सा एग्जाम हो जाएगा? आरपीएफ का जेई हो जाएगा, एएलपी हो जाएगा, टेक्नीशियन, जेई और एनटीपीसी तो होगा ही सारा। जी ग्रुप डी भी होगा, ग्रुप डी भी होगा, लगातार मजा मजा है। खैर, आरपीएफ के लिए क्या सब कर रहे हैं? आरपीएफ के लिए बस सेट प्रैक्टिस कर रहा है, बाकी बाद एनटीपीसी के लिए मैथ रीजनिंग, मानिए सबके लिए मैथ रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग ऐसे चल रहा है। इस बीच में ऑनलाइन सेट दिए हैं? ऑनलाइन नहीं दिए, सोच रहे हैं ऑनलाइन अब स्टार्ट करेंगे। लेकिन फोन बज रहा था, इनका वार्निंग कॉल आ गया था, क्योंकि 2 घंटा पहले इनका वार्निंग आता है। कितना टाइम हो रहा है? अभी 7 बज रहा होगा, 9 बजे का ड्यूटी होगा आपका, 9 बजे के बाद। लेट भी हो सकता है, लेट भी होता है कभी कभी वो ट्रेन पर, उस समय 9 बजे के बाद किस तरह ट्रेन अब मूवमेंट हो रहा है, कोचिंग हो जाएगा तो 12 बजे तक भी आ सकता है, ये बहुत दिक्कत हो जाता है। तो नाइट का ड्यूटी नहीं मिलने का ही रीजन है, मेरा नाइट आ रहा है कंटिन्यू, नाइट जाते हैं ड्यूटी, आते हैं डे में सोते हैं आराम से, फिर नाइट हो जाता है इसी तरह। चलिए, तो क्या ही बोले इसमें, नया अभी कोई सेट नहीं मारे हैं आप? नहीं, अभी नहीं मारे, हम अभी मार रहे हैं, शुरू किए हैं, नहीं हुआ है। अभी कैसा आपका, ठीक ठाक चल रहा है? मेरा पहला सेट मारे थे, कोई फ्री वाला दिया हुआ था, तो ऐसी जल्दबाजी मारे थे। हाँ, करीब 1.5 घंटे का टाइम था, तो हम 50 मिनट में सबमिट किया कर दिए होंगे, 40 मिनट बचा हुआ था, तो 62 नंबर हमको आया हुआ था। अच्छा अच्छा, एनटीपीसी के लिए। लेकिन परसेंटेज बहुत खराब था, इसीलिए हम किसी को बताए नहीं। लेकिन पता नहीं बनता है क्वेश्चन सब, जिसमें थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ना। हाँ, अभी क्या होता है, उतना दिन छूटने के बाद जो है ना, बहुत थोड़ा टाइमिंग अभी लगेगा रिविजन के लिए, तो मन ही नहीं करता बैठने का। कंटिन्यू अब होता है कि उतना देर बैठ नहीं पाते हैं, सबसे बड़ा बात है बैठना ही अपने आप में एक। हमारे साथ समस्या क्या है कि सिस्टम के पास तो वहीं बैठे रहते हैं। हाँ, फिर आगे सिस्टम के पास। हाँ, ये दिक्कत है। और हम तो ऑफलाइन देते हैं आपको, तो हम तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं वो मैथ रीजनिंग का, आप तो कर रहे थे ना, लेकिन अब ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। हाँ, एसएससी के लिए अच्छा चल रहा था, बिहार SSC के लिए, उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो गया, पढ़ने का मन नहीं उतना करने लगा, चलो हटाओ, ड्यूटी भी कभी कभी उल्टा पुल्टा हुआ। एक तो साथ ही रहता है ना उस टाइप का पढ़ने वाला। हाँ, तो पहले क्या होता, सुजीत के रूम पर जाते थे ना, वहाँ 4-5 लड़का बिहार SSC चलता था, उसमें 2-3 लड़का का लोको पायलट का एग्जाम हो गया, एएलपी का एग्जाम में गया, उसी में खत्म हो गया वो ग्रुपिंग का एग्जाम था। हाँ, ग्रुपिंग चेंज हुआ, पढ़ने का मन भी नहीं करने लगा, लेकिन अब स्टार्ट करेंगे, अब सोच रहे हैं जोर शोर से अच्छा से करेंगे एनटीपीसी के लिए, क्योंकि सीट बहुत कम है। सीट कम है, नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा, कम से कम 75-80% कम से कम। ड्यूटी करके आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है पढ़ना, ये बात तो है।